हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपके लिए मावा और सूजी से बने गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। मावा को मैंने घर पे बनाया है, रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ जो हमारी नानी दादियाँ बनाती थी वही वाली रेसिपी है, लेकिन रेसिपी एकदम ऑथेंटिक है। 1.5 कप मैदा लेंगे, आप चाहें तो मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसमें 1/4 टीस्पून नमक का डालेंगे, इसको मिला लीजिए। अब हम इसमें मोइन का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम 2 टेबलस्पून देसी घी का लेंगे। इसमें ऑयल या वनस्पति घी का इस्तेमाल मत करिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए हाथों से और उसके बाद में इसको रगड़ रगड़ कर मिक्स कर लीजिए। इस स्टेप से हमारा आउटर लेयर बहुत ही ज़्यादा क्रस्टी बन जाएगा। जब इसकी मुट्ठी बनने लगे ऐसे, तब इसमें पानी ऐड करेंगे। 1/2 कप पानी की ज़रूरत है। पानी को मैंने बहुत ही ठंडा लिया है। पानी में अगर आप थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लेकिन हमें टाइट आटा नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाना है। पानी को आप चिल्लू चिल्लू करके लीजिए ताकि इसमें ज़्यादा पानी ना हो जाए। एक दफ़ा सारा आटा एक जगह समट जाए, फिर इसको हमें थोड़ा सा गूंद करके वापस से थोड़ा सा देसी घी लगा देना है, इससे डो सूखेगा नहीं। इसको देना है रेस्ट, तो एक गीले कपड़े से ढककर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने काजू, बादाम और पिस्ते लिए हैं। 1 टीस्पून देसी घी में इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद में इसको ग्राइंड कर लीजिएगा दर्रा दर्रा सा। अब 4 टेबलस्पून सूजी का लेंगे। सूजी को हमें हल्का ब्राउन करना है। इसको मीडियम हीट पर रख के रोस्ट करिए। 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल ऐसा गुलाबी कलर का हो जाएगा। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। अब इसमें हमारे चॉप्ड नट्स को ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा, सूजी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। 2 टेबलस्पून चीनी का डालेंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर का मिला करके इसको मिक्स कर दीजिए। ख्याल रखिएगा, सारे इंग्रेडिएंट ठंडे होने चाहिए, वरना चीनी पानी छोड़ देगा और गुजिया बर्बाद हो जाएगी। आप मावा डाल दीजिए 100 ग्राम, ये भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए है। मावे की रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। घर का बना हुआ शुद्ध मावा है। अब हम इसमें 50 ग्राम चिरौंजी का ऐड करेंगे। यूपी वाली गुजिया में चिरौंजी हमेशा होती है, तो ज़रूर डालिएगा। सबको अच्छी तरीके से मिला दीजिए, फिलिंग तैयार है। अब बढ़ते हैं डो की तरफ। डो बहुत ही अच्छी तरीके से ढल चुका है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं और फिर इसके बाद में हम इसके पेड़े बनाएंगे या फिर लोइयां काटेंगे इस तरीके से। इसके लोइयों को आप अपने मन मुताबिक साइज़ में बना लीजिए और इनके गोले बना लीजिए। सारे जब गोले बन जाएं तो फिर इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिए। अब हम इसकी छोटी छोटी सी पूड़िया टाइप की रोटियां बेल लेंगे। देखिए, डो इतनी अच्छी तरीके से ढल चुका है कि रोटियां बिल्कुल भी सिकुड़ नहीं रही हैं। अब इसको सील करने के लिए इसके एजेस पर थोड़ा सा पानी लगा दीजिए और 2 टेबलस्पून इसमें फिलिंग का भर दीजिए। ख्याल रखिएगा कि ये जब हम लोग पकाएंगे ना, तो उस टाइम पर ये फूलेंगी, तो बिल्कुल ठूस ठूस के मत भरिएगा फिलिंग को, वरना फट के तेल को गंदा कर देगी। इसको इस तरीके से हाथों से सील कर दीजिए और फिर इसको हाथों से ही, जैसे हम मोमो को बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से प्लेट लगाइए और फोल्ड करिए, प्लेट लगाइए और फोल्ड करिए। देखिए, ये बहुत ही आसान है। आप चाहे तो वो जो गुजिया का क्या कहते हैंगे मोल्ड होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा बेटर तरीका है, या फिर इन अदर वर्ड्स बोलूँ तो ट्रेडिशनल तरीका है। सारी गुजिया जब बन के तैयार हो जाए, तब एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को डाल दीजिए। ऑयल को हमें बिल्कुल भी स्मोकिंग हॉट नहीं करना है। अगर ये ज़्यादा गर्म हुआ ना, तो गुजिया बाहर से लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो तेल को आपको मीडियम पर ही रखना है, इनफैक्ट मीडियम लो पर रखना है। और हो सके तो सारी गुजिया एक साथ ही आप फ्राई कर डालिए।
क्योंकि इसको फ्राई होने में कम से कम भी 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई करेंगे तो बेटर रहेगा, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बस जब एक दफ़ा ये बादामी कलर पकड़ ले तो फ्लेम को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, गरम नहीं करना है तेल को आपको, बस थोड़ा सा मीडियम कर देना है। एक दफ़ा ये बिल्कुल इस तरीके से गोल्डन बादामी कलर हो जाए, इनको बाहर निकाल दीजिए। देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक अवधी यूपी स्टाइल गुजिया बनके तैयार है। आप चाहे तो इसको सजावट के लिए थोड़ी सी शुगर का सिरप ऐड कर दीजिए, इसके ऊपर में थोड़े से कटे हुए पिस्ते लगा लीजिए और थोड़ा सा गोल्डन फॉइल लगा लीजिए। अब थम्स अप दीजिए अगर रेसिपी पसंद आई हो तो, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है ये, बाहर से एकदम खस्ता और अंदर से कितनी बेहतरीन फीलिंग। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद एंड हैप्पी होली।